two sets, but Rublev said not so fast. रूसी टेनिस खिलाड़ी ने जीता दिल। यूक्रेन के साथ जंग के बीच ब्रॉडकास्टर के कैमरे पर लिख दिया स्पेशल मैसेज। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से कई घर बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस बीच रूस के टेनिस स्टार एंड्री रूबलेव ने शुक्रवार को दुबई चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी जीत के तुरंत बाद शांति का संदेश दिया। रूबलेव ने एक टीवी प्रसारण कैमरे पर नो वॉर प्लीज लिखा। रूबलेव ने ऐसा कर भीड़ से तालियां बटोरी। सातवें क्रम के रूबलेव ने कैमरे पर अपना संदेश लिखने से पहले पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज को सेमीफाइनल मैच में 3-6, 7-5, 7-6, 5 से हराया। एंड्री रूबलेव ने गुरुवार को एक निजी मीडिया संस्थान रॉयटर्स के हवाले से कहा कि इन पलों में आप महसूस करते हैं कि मेरा मैच महत्वपूर्ण नहीं है। ये मेरे मैच के बारे में नहीं है कि ये मुझे कैसे प्रभावित करता है। जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा भयानक है। आप महसूस करते हैं कि दुनिया में शांति होना और एक दूसरे का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे जो भी हो, एकजुट होना है। हमें इस सरजमीन पर एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सोशल मीडिया पर ये मैसेज देखते ही देखते जबरदस्त वायरल हो गया है और लोग इस मैसेज की सराहना करते नजर आ रहे हैं। TSN स्पोर्ट्स ने अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी और लिखा, दुबई में फाइनल में पहुंचने के बाद रूसी टेनिस खिलाड़ी एंड्री रूबलेव कैमरे पर नो वॉर प्लीज लिखते नजर आए। सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर एमिली सी सिंगर ने अपने ट्वीट में लिखा, ये वास्तव में बहादुरी भरा जवाब है उस बात का जो पुतिन उन लोगों के साथ करते हैं जो उनके सामने नहीं झुकते। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।